केला धोके और मेरा निवेदन है, गाना मेरा हो या त्रोली वालों का, आप लोगों की तालियां कार्यक्रम का उत्साह बढ़ाएंगी और रस्सियों का आनंद दोगुना करेंगी। कहना इधर से, अरे देख कौआ हंस की, अरे कौआ हंस की मालूम पड़ गई कि कोई कौआ हंस की मालूम पड़ गई। अरे अपने धर्म पे सैदा नहीं है तू, देख कौआ हंस की मालूम पड़ गई और अपने धर्म पे सैदा नहीं है तू, अपने धर्म पे सैदा नहीं है तू। और आनंद आ जाए तो यहीं से लगे कि हाँ रस्सियां शुरू हो गए। अरे अपने धर्म पे सैदा नहीं है तू और तेरे अंश वंश की मालूम पड़ गई, अपने बाप से पैदा नहीं है तू। अंश वंश की मालूम पड़ गई, अपने बाप से पैदा नहीं है तू। अंश वंश की अरे तेने चाल चली है। सीखी झूठा करण है तू। अरे जांग पे खाए गयो तेरे कीड़ा, ये कोई जांग पे खाए गयो तेरे कीड़ा। और बिन कारण नजर न आता है, अरे बिन कारण नजर न आता है। अरे जो हंस के सह जाए इतनी पीड़ा, तू मुझे ब्राह्मण नजर बाबा का मंदिर है और रसिया हर बार होते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता। तो चार पंक्तियां मेरी ओर से हैं, बड़ी सादा सिंपल सी बात है। दिखाओगे मां साहब, लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से।
उड़ गया रिपेरी हवा के झोंके से और मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से मना कि मेरा दिल देगा वो मना कि मेरी जान देगा वो सबको है जाए बेड़ा के देवराज बाबा कर दे कृपा तो सबको है जाए बेड़ा पार। बोरा जी आखिर कोई लिखने वाला क्या लिख सकता है। जे जे। जहारवीर बाबा के परम पूज्य पिताजी का मंदिर है तो लिखना पड़ा सब संकट हर लेने वाले देवराज बाबा। अरे सब संकट हर लेने वाले देवराज बाबा। अरे सब संकट हर लेने वाले देवराज बाबा। और अगर मेरी लाइन हकीकत हो तो आप लोगों की तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। सब संकट हर लेने वाले देवराज बाबा और दूध पुत को देने वाले देवराज बाबा। अरे दूध पुत को देने वाले देवराज बाबा। अरे सब संकट हर लेने वाले देवराज बाबा और ये दूध पुत के देने वाले देवराज बाबा। तो सजो दरबार बेसमा में सजो दरबार बेसमा में दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे आप सजो दरबार बेसमा में और जय जयकार बेसमा में सजो दरबार बेसमा में और जय जयकार बेसमा में। अरे सबके संकट हरने वाले देवराज बाबा। अरे दूध पुत को देने वाले देवराज बाबा। सजो दरबार बेसमा में हो जय जयकार बेसमा में सजो दरबार बेसमा में हो जय जयकार बेसमा में। अरे भक्तन के ये काम बना में काम न रोड़ा बारे के। अरे भक्तन के ये काम बना में काम न रोड़ा बारे के। भक्तन के ये काम बना में काम न रोड़ा बारे के। और होती अली खासियत क्या है भक्तों के ये काम बना में काम न रोड़ा बारे के। काम न रोड़ा बारे के पावन पूज्य पिताजी है ये तो नीले घोड़ा। पिताजी है ये तो नीले घोड़ा मारे के। और इन्हीं की कृपा से सब द्वेष पाप ये नष्ट करें बाबा चार वीर सब कष्ट हरें। सब द्वेष पाप ये नष्ट करें बाबा चार वीर सब कष्ट हरें। अरे सबकी नैया खेने वाले देवराज बाबा। अरे सबकी नैया घेरे वाले देवराज बाबा। अरे दूध पुत को देने वाले देवराज बाबा। होए उद्धार बेसमा में
सारा मना ट्रॉली वालों से भी कर ली जाए, ऐसा हाथ खड़ा करके बताओ कर ली जाए। आजकल मोरा जी एक गाना ऐसा चल रहा है जिसका मतलब हमारी समझ में तो आया नहीं है। नक बजाइयो मां साहब, छज्जे ऊपर बोयो बाजरो खिलगो फूल। चमेली को अब हम बता दें ऐसे ना खिल लो, और जो चमेली को फूल खिल लो कहां चाहिए भैया तुम कहो तो कह दूंगा। कह दूंगा, हाथ खड़ा करके बताओ। बता भैया। है रही है मस्त जवानी में ज्यादा अंगड़ाई ले रही है, अरे है रही है मस्त जवानी में ज्यादा अंगड़ाई ले रही है। आस कह गई है बाबा पे तू खसम को धोखा दे रही है। खिल गयो जो फूल चमेली को तो पानी पानी है रही है। खिल गयो जो फूल चमेली को तो पानी पानी है रही है। और मेरी बात सही लग जाए और बाकी में हकीकत हो तो एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद देंगे। खिल गयो जो फूल चमेली को तो पानी पानी है रही है। और हम तो बस एक छोटी सी बात जानते जी पूछ रहे हैं, अरे तू पानी पानी है रही है, तेरे नीचे कितकोनिया में कहाँ है गयो छज्जे पे बाजरों दे रही है। नीचे कितकोनिया में कहाँ है गयो छज्जे पे बाजरों दे रही है।
कर दे ओ छोरा तेने पाप कौन सो अरे कर दे ओ छोरा तेने पाप कौन सो कर दे ओ छोरा तेने पाप कौन सो अरे कर दे ओ छोरा तेने पाप कौन सो जो ना है मिटो पर कमाते अरे कर दे ओ छोरा तेने पाप कौन सो जो ना है मिटो पर कमाते सीधी सीधी बात है नारद जी का संवाद चल रहा है अंगद से नारद जी पूछ रहे हैं अंगद अरे कर दे ओ छोरा तेने पाप कौन सो ना है मिटो पर कमाते इन सातन में तेरो पाप कौन सो तू पूछ ले अपनी अम्मा से इन सातन में तेरो पाप कौन सो पूछ ले अपनी अम्मा से और खास बात क्या है नरिया बानर दुनिया जाने नरिया बानर दुनिया जाने नरिया बानर दुनिया जाने जंग पैर की थन गई है अरे नरिया बानर दुनिया जाने जे जंग पैर की थन गई है आज जंग जंग में थन गयो है और खास बात क्या है मोरा जी जन्म दयो जो तो एक नारी ने जन्म दयो जो तो एक नारी ने तो तू बंदर कैसे बन गयो रे जन्म दयो तो एक नारी ने तू बंदर कैसे बन गयो रे करके आयो चाप कौन सो मिल रहे हो एक हरम माते अरे करके आयो चाप कौन सो मिल रहे हो एक हरम माते उन सातन में तेरा बाप कौन सो पूछ ले अपनी अम्मा से उन सातन में तेरा बाप कौन सो और कोई सुख की सामन आवेगी और कोई सुख की सामन आवेगी और भक्त पड़े पे और रण में तेरे ये विद्या काम आवेगी भक्त पड़े पे साल है गई है चाचा अब हम यही देख रहे हैं अरे तेरे पाप भरे रग रग में तेरे थोड़ी सी बात नक 23 मई के बारे में कर ले जाए सब आ गया है नक राजनीति की बात है जाए बताइयो मत सब एक रसिया
शराम दे कमना है पूरा काम करके तभी देंगे। जय आज किसी भी कोने पर चले जाओ पहलवान जी एक ही चर्चा है जाकाऊ ने गठबंधन है वोट दो है वो तो कह रहा है मोदी गयो और जाकाऊ ने बीजेपी है वोट दो है बान के ही काऊ को बापू ना रोक सकत आयो भैया जय हरी है कछु और रही है लेकिन मेरा कहना क्या है क्या ये 23 मई आवे नहीं समझ लेना मेरा इशारा त्रोली वाले हो अरे या कोई पुरानी भूल मिले चार हाथ ममता मई या फिर खिले कमल को अरे मिले चार हाथ ममता मई या फिर खिले कमल को फूल मिले चार हाथ तीन तो हमारे जा यूपी में घूम रहे हैं और एक हाथ वाली तुम्हें मालूम ही है और इन सब में फंदा डाल रही है ममता तो मिले चार हाथ ममता मई या खिले कमल को फूल तो कहना क्या है एरे एरे कौन से करवटते हम्बे कौन से करवट से मेरे चाचा बटते बैठे गो अब के ऊंट एरे कौन से करबटते बैठे गो अब के ऊंट अरे जा वक्त की कोई माल कौन से करबटते बैठे गो अब के ऊंट जा वक्त की कोई माल क्या पुलवामा के हमले से पहले क्या चर्चा थी पूरे देश में जब पुलवामा का हमला नहीं हुआ था तब चर्चा थी कैया अरे कैया गंगा नाम को मंदिर कैया गंगा नाम को मंदिर कैया चर्चा थी देखो भैया न तो मंदिर बनो न 15 लाख आए समझो ही बात कर रहे और जैसे ही पुलवामा का हमला हुआ और हिंदुस्तान की सेना ने अपना काम किया तो हर आदमी का बयान बदल गया बान की जो काम तो फिर देख लेंगे लेकिन भैया देश के लिए तो अच्छो ही कर रहो है। जय जय हाँ भैया सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं तो कहा अरे कैया गंगा नाम को मंदिर झूठ बोल गए ज्यादा 15 लाख या राम को मंदिर कोई भयो न पूरो भयो न पूरो सबके टूट जा वक्त की कोई मानो ना
सर्जिकल या एयर स्ट्राइक है गए काम करारे। सर्जिकल या एयर स्ट्राइक है गए काम करारे। अरे सर्जिकल या एयर स्ट्राइक है गए काम करारे। और अब यहाँ राजनीति की बात नहीं है, अब मैं हर व्यक्ति की ताली चाहूंगा, क्योंकि ये ताली होगी देश की सेना के लिए। अरे है के काम करारे। और मेरे वीर जवान ने पाकिस्तानी कुत्ता घर में घुस के मारे। बुआ ते बुआ जी कह रही लल्लू हम चलेंगे दिल्ली। हम चलेंगे दिल्ली। अरे हम चलेंगे दिल्ली रे लल्लू। हम चलेंगे दिल्ली। बुआ जी कह रही हम चलेंगे दिल्ली। मेरे पर भर के राखे हैं जब के घूट जा वक्त की कोई मालो मुरा। सामने रखा है, न जाने कौन से करवटते बैठे ऊंट जब वक्त की कोई मालूम ना है। एक आलू ते सोनो बनावे तो क्या कर लेगी मौसमी। और मूड पकर के रो रहे हो पप्पू और पप्पू की मम्मी। और पप्पू की मम्मी। अरे और पप्पू की मम्मी रे भैया। और पप्पू की मम्मी। मूड पकर के रो रहे हो पप्पू और पप्पू की मम्मी। ना कटियो बेटा, बाबा अब आ जाओ, तुम तुम्हारा उन्हें काम पर है वो एक मिनट। आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे ये लाला रसिया में हमें कोई मालूम ना।
भैया अब आप लोगों के मनोरंजन के लिए गीत रख रहा हूं, और गीत भी मोराजी पहली बार इस मंच पे हो रहा है। रसियाबाजी में केवल मैंने एक जगह गाया है, दूसरी बार इस गीत को गा रहा हूं, शायद आप लोगों को मजा आ जाए। चाचा ना कठाड़े है जाओ भाई, तुम इतने कमजोर ना हो। बजाओ मां साहब राज की बात बताएं, आजम सी उलझन है। राज की बात बताएं बेटा, जाए बाद में गयो, आ जाओ ना कगार आ जाओ। अब कार्यक्रम जब है ही रहो तो ना तरीका ही तो है जाए। ले असली माला तो उतना है, पर जा राम नाम ते बड़ी कोई माला ना है। जय जय मुकद्दर की कोई पतो ना है, जाने कब खुले। तेरी पहली भमरिया रे अब तो बेटी बापई की, लेकिन कहना क्या है। अरे राज की बात तो बताएं, अजब सी उलझन है, कैसे गाएं गाना सामने संबोधन है। कैसा लग रहा बाबा? आनंद आ रहा, बड़ा मजा है। मन की उमंग में जोश भरे अंग में रंग भरी रुत मस्तानी चली आई है, रंग भरी रुत मस्तानी चली आई है, रंग भरी रुत मस्तानी चली आई है। अरे ढंग पे ढंग में जा सजनी के संग में, जाऊ मनमानी की कहानी चली आई। अरे जाऊ मनमानी की कहानी चली आई है, जाऊ मनमानी की कहानी चली आई है। अरे ना रंग भंग में डुबकी मारे गंग में, वंश की परंपरा पुरानी चली आई है। अरे वंश की परंपरा पुरानी चली आई है, वंश की परंपरा पुरानी चली आई है। और अब जा पूरे पांडाल में ताली दिखाई दे, अगर मजा आ जाए। देख वंश की परंपरा पुरानी चली आई है, जो बन के जंग में जा मस्ती के रंग में, इन बूढ़े न पे लौट के जवानी चली आई है, बूढ़े न पे लौट के जवानी चली आई है। रसिया वाले केवल नौटंकी करके समय पास कर देते हैं, लेकिन मैंने इस गीत में लिखा क्या है के परम पूज्य पावन कहा, और मेरे ऋषि मुनियों का भेष, और जब शिव शंकर की शादी भई तो बामे पूजे गए गणेश। ये जब शिव शंकर की शादी भई तो बामे पूजे गए गणेश। बेटा तू काहे को परेशान है रो, सामने छोरा बैठो उदास है। अब देख चक्कर पर गो बेटा, कछु दूसरा जावे का। अरे देख ये छोरा चुप चाप, पिता की शादी हो रही है और बेटा घर में मौजूद है। पहली बात कही शंकर भगवान की शादी में गणेश पूजे, लेकिन अब कहना क्या है। ये छोरा चुप चाप, अरे आज ये छोरा चुप चाप बामनी पे आयो, ये छोरा चुप चाप बामनी पे आयो, जे छोरा चुप चाप बामनी पे आयो, ये छोरा चुप चाप बामनी पे आयो, अरे पे आयो पे आयो। और मजा आ जाए तो ताली, जे छोरा चुप चाप बामनी पे आयो, और बनो दूला पूड़ो बाप दुल्हनिया ले आयो, जे छोरा चुप चाप बामनी पे आयो, बाप दुल्हनिया ले आयो।
बैठ जाओ बाबू बैठ जाओ। पहली कहानी, अरे सत्यवती सहजादी मन राजा के भाई है। अरे कोई सत्यवती सहजादी मन राजा के भाई है, तो शांतनु की शादी खुद भीष्म ने कराई है। जबानी दे आयो। अब तीसरी कहानी, ब्रह्मा सुता मोहिनी और रुक्मांगद के मन में बसी। अरे कोई ब्रह्मा सुता मोहिनी, अरे वो रुक्मांगद के मन में बसी, और धर्मांगद झुका सर खड़ा, सारी दुनिया में है गई हंसी। बोल के जे आयो। और समय देखते हुए आखिरी बंद, जो रामवीर ने सोचा वो जमाने को कहना पड़ा। अरे जो रामवीर ने सोचा वो जमाने को कहना पड़ा, के अत्याचार मौसी का उस पूरन को सहना पड़ा। शंखपति को संताप जो पूरो है आयो। अरे बा शंखपति को संताप जो पूरो है आयो। अरे जे छोरा चुपचाप बामनी बे आयो। अब नेकाद पल्ली पे खिंचवा ली हो सबर जही करोगे। अरे बनो दूला बूढ़ो बाप दुल्हनिया।